हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीतसंज किचन। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ही बहुत ही स्पेशल और ये सिंपल सी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है रवा उत्थप्पा। जो दही लवर्स है वो बिल्कुल ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करके देखे, क्योंकि ये हमने दही से बनाई है और बहुत अच्छी लगती है खाने में भी, और सबको आपके घर में पसंद आएगी ये रेसिपी। और झटपट से बनकर ये रेडी हो जाती है, कोई आपको ज़्यादा सामान भी नहीं लगता ये बनाने के लिए, और एकदम से बनकर ये रेडी हो जाती है। और ये आपको चटनी के साथ या फिर ये बहुत अच्छा सॉस के साथ भी खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, इसकी मेकिंग देखने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके साइड में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करो, ताकि आप लोगों के पास मेरे लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके और आपको नई नई रेसिपी ट्राई करने को मिले। तो चलिए, अब ये उत्तप्पा की रेसिपी अब हम स्टार्ट करते हैं। रवा उत्तप्पा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी रवा लिया है, और एक कटोरी रवा के लिए हमने ये आधी कटोरी दही लिया है। तो मेजरमेंट आप अपने हिसाब से, आपको जो ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रवा, दो कटोरी रवा के लिए एक कटोरी का दही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमने ग्रीन चिलीज बारीक के लिए है कट करके, एक हमने छोटा अनियन लिया है बारीक किया है, वो भी फाइनली चॉप्ड किया है, कोरिएंडर लीव्स ली है। यहाँ पर हमें थोड़ी पानी की ज़रूरत है, और ये हमने यहाँ पर ये कांदा लहसुन मसाला लिया है। ये मसाला आपके, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके अलावा गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे थोड़ा स्वाद बढ़ता है, इसलिए हमने ये कांदा लहसुन मसाला इस्तेमाल किया है। आपको ये मार्केट में अवेलेबल होगा, और थोड़ा सा हमें इनो चाहिए। इनो की जगह आप खाने का जो सोडा मिलता है वो भी उसमें डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बॉल लेना है, अभी जो सूजी हमने ली है अभी ये बॉल में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये रवा और दही हमें अभी अच्छी तरह से अभी ये मिक्स करना है, और इसका हमने एक स्मूथ सा बैटर बनाना है। इसमें हमें थोड़ा पानी भी लगेगा, थोड़ा सा डालना चाहिए, थोड़ा पानी, आप देख सकते हैं हमने कितना थोड़ा कम पानी डाला है इसमें, तो आप भी उतना ही पानी डालें, और उसका एक अच्छा सा भी एक बैटर बनकर अब तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से ये डोसा बन जाता है घर पर रवा से, और रवा आपके घर में अवेलेबल हमेशा होता है, तो आप ये, आपको जब ज़्यादा भूख लगती है तो आप विदिन एक 15 मिनट के अंदर ये बनाकर अभी खा सकते हैं। इसमें हम अभी स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और फिर से अभी हम इसे मिक्स करेंगे। आप जो रेगुलर डोसा को जो बैटर बनाते हैं वो थोड़ा सा पतला होता है, उससे थोड़ा हमें ये डाट बनाना है, मतलब थोड़ा सा हैवी बनाना है उससे। आप ये कंसिस्टेंसी देख सकते हैं यहाँ पर हमने कैसा बनाया है, तो आप इसके हिसाब से अपनी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा इनो डालेंगे। इनो हमने इसलिए डाला है ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल सके, और इसे अब हमें आधे घंटे के लिए ढककर रखना है। तो अभी हमारा हाफ एन आवर हो चुका है, ये बैटर अभी पूरी तरह से रेडी है। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं, थोड़ा ही मिलाना, ज़्यादा नहीं तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा जल्दी। तो इसमें अगर आपको थोड़ा सा डाट गाढ़ा दिखे तो आप पानी मिला सकते हैं। तो चलिए, अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी ये नॉनस्टिक पैन रखा है, ये पैन गर्म होना चाहिए पूरी अच्छी तरह से,
और अब हम इसमें थोड़ा सा अभी तेल डालेंगे। यहाँ पर अब हमने तेल डाला हुआ है और ये तेल हमें टिश्यू पर से ऐसे पूरा जो तवा जो है उसे पूरा स्प्रेड करना है, और जो एक्स्ट्रा है वो निकालना है, तभी हमारा ये डोसा जो है पूरी अच्छी तरह से बनेगा। तो अब ये पैन गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें ये बटर डालेंगे। और ये अभी हम हल्का सा स्प्रेड करेंगे। अब हम इसके ऊपर जो हमने ये कांदा लहसुन मसाला लिया था वो भी डालेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा दिख रहा है ये, और टिमटिम भी लग रहा है खाने के लिए। और जो अब हमने अनियन कट किया हुआ था वो हम इसके ऊपर अभी डालेंगे। और ये कुछ ग्रीन चिलीज और ऊपर से थोड़ा सा धनिया। तो और यहाँ अब हम ऊपर से इसे थोड़ा सा घी लगाएंगे। अगर घी नहीं है तो आप थोड़ा सा क्या वो तेल भी लगा सकते हैं। हमने घी का इस्तेमाल किया है, घी से थोड़ा स्वाद अच्छा आता है इसलिए। और ये अभी अभी हल्का हम इसे अभी प्रेस करेंगे यहाँ पर, ताकि वो जो कांदा हो जो ऊपर से हमने कोरिएंडर लीव्स भी डाले वो अच्छी तरह से उस पर बैठ सके। और ये अभी हमने गैस जो फ्लेम है वो थोड़ा बारीक करना है, और इसे अभी ढककर रखना है थोड़ी देर के लिए। अब ये हो चुका है, अब इसे हम हल्का सा अभी ये फ्लिप करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी जो ये साइड है वो पूरी अच्छी तरह से पकी हुई है, जैसे हम लोग पैनकेक्स करते हैं वैसे उसी तरह से ही ये मसाले वाला है। आप बच्चों को ये खा दे सकते हैं उसे बोल के मसाला पैनकेक बोल के, क्योंकि ये वैसा ही दिखता है। करके हमें ये तवे पर थोड़े मिनट ही रखना है। अब हम इसे प्लेट पर निकालेंगे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमारा जो रवा उत्तपम है वो बनके अभी तैयार है। आप इसे मसाला रवा डोसा भी बोल सकते हैं, मसाला पैनकेक भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर बच्चों को देना हो तो आप पैनकेक बोल के दे, अगर और किसी को आपके घर में बड़ों को देना हो तो आप उसे उत्तपम बोल के दे, तो कोई भी इसका नाम सूट हो सकता है। तो ये अभी रेडी है, और आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग है ये, खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ये रेसिपी। ये यूनिक रेसिपी है सूजी रवा की। नाश्ते के टाइम भी आप बना कर ये खा सकते हैं, और रात को भी कभी कभी आपको भूख लगती है और कुछ खाने को भी नहीं होता है तो आप ये झटपट से बना कर खा सकते हैं। तो चलिए अब ये वीडियो मैं एंड करती हूँ, बाय।